वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप बिल्डिंग गुड गाइस। सो आज का वीडियो होने वाला है मीशो हॉल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीशो की चिकनकारी कुर्तीज एंड ये पार्ट टू है। ऑलरेडी मैं पार्ट वन दिखा चुकी हूँ चिकनकारी कुर्तीज मीशो से ही, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिन्होंने नहीं देखा है चेक करें, बहुत अच्छे अच्छे कुर्तीज मैंने दिखाई है। आज मैं आपके साथ चिकनकारी कुर्ती जो शेयर करूंगी वो स्पेशल फेस्टिव वेयर कुर्तीज मैंने सेलेक्ट करा है, जो कि आप आराम से फेस्टिवल में वेयर कर सकते हैं, किसी भी में वेयर कर सकते हैं। सही टाइम है कि इस फेस्टिवल आप चिकनकारी कुर्तीज वेयर करें, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा फैशन में है लखनवी स्टिच, लखनवी चिकनकारी कुर्तीज, सेट्स एंड साड़ीज। कोई भी प्रोडक्ट का मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मीशो लिंक प्रोवाइड नहीं करती है। मीशो प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट कोड। सो कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मीशो के पेज पे जब कोड से सर्च करोगे आपको सेम आइटम नजर आ जाएगी और आप इसे खरीद सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियो के स्क्रीनशॉट कर दीजिए जो भी कुर्तीज पसंद आए, और आप उसे इमेज के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। आप लोगों की बहुत क्वेरीज आती है कि मीशो से शॉपिंग कैसे करनी है, कैसे करनी है। सो यहाँ पे मैं एक जर्नी वीडियो चला रही हूँ, इससे आपको हेल्प हो जाएगी कि मीशो से शॉपिंग आप कैसे कर सकते हैं। मीशो ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मेरे लिंक के थ्रू अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको अप टू 20% या मैक्स 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सो मीशो ऐप डाउनलोड करने के बाद बहुत ही सिंपल इसे यूज़ करना है। आप मीशो के पेज पे जाइए तो प्रोडक्ट कोड जो मिलती है, जो मैं आपको हॉल में दिखाऊंगी, जिनका जो भी कोड आप सर्च करना चाहते हैं, आप सर्च बार में इस तरीके से कोड डालिए। कोड डालते ही आपको सेम कुर्ती नज़र आ जाएगी। लाइक मैंने ये चिकनकारी कुर्ती डाला है। अब इसमें मैं साइज़ देख रही हूँ ए, और उसके बाद मैं कर रही हूँ मीडियम साइज मैंने सेलेक्ट करा, ऐड टू कार्ट कर दिया, वो बैग में चली गई। अब मैं फिर से दूसरा कुर्ती सब बैग जा रही हूँ। बैग जाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से इमेज के थ्रू सर्च करके आपको दिखा रही हूँ। ये मैं अपने कैमरा का ऑप्शन आपको देगा, लाइब्रेरी का ऑप्शन देगा। मैं अपने लाइब्रेरी पे गई, मैंने यहाँ पे एक इमेज ये ब्लैक वाली कुर्ती चिकनकारी कुर्ती सर्च करा। सर्च करते ही जितनी देखे आप सारे ब्लैक वाली कुर्ती का डिज़ाइन नज़र आ गया। मैं इस पर गई, सारे कलर ऑप्शन देख रही हूँ। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं और नीचे आपको सारे रिव्यूज मिल सकते हैं, तो आप रिव्यूज एक बार जरूर से पढ़ लें, वो आपको काफी हेल्प करेगी। एंड मैंने इसे ऐड टू कार्ट किया अपने साइज पे, मीडियम साइज पे। अब जैसे मैं इसे ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप पहला आइटम डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बैग पे ऐड रखा है। सो एक टाइम पे आप एक ही सेलर से ही चीजें ले सकते हैं, दो सेलर से नहीं ले सकते, इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैंने इसे ऐड कर दिया और यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन। तो मैंने सीओडी चूज किया है। सीओडी चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट आ रहा है 1159। तो अगर आपको ये बेचना है, रीसेल करना है, तो अगर आप जो भी प्राइस कोट किए हैं उसे लाइक 1250 और 1300 वो प्राइस आप यहाँ पे डाल दें। मैं यहाँ पे 1250 डाल रही हूँ, 91 रुपीज़ का मेरा यहाँ पे मार्जिन बन जा रहा है। और इसे फिर आप प्रोसीड कर दीजिए। आप जिनको रिसेल कर रहे हैं उनको पे करना होगा 1250 रुपीज़, और जो 91 रुपीज़ का मार्जिन होगा वो आपका हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है मीशो से ख़रीदना भी और बेचना भी। बट अगर आप ये खुद के लिए ख़रीद रहे हैं तो आप एग्जैक्टली वही प्राइस डालें मार्जिन पे, जो प्राइस वहाँ पे लिखी हुई है उतने प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप मीशो से शॉपिंग कर सकते हैं। माई फर्स्ट आइटम इज दिस पिंक एंड ब्लैक कुर्ती सेट, शरारा सेट है ये। ये पूरी लखनवी स्टिच के साथ आपको पूरी सीक्वेंस वाली वर्क मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत कुर्ती सेट है। इस पर मेरा साइज मीडियम है, टू क्वार्टर स्लीव्स के साथ है, शरारा के साथ है। शरारा की फ्लेयर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा घेर वाली है, ऐसा लगेगा जैसे आपने स्कर्ट पहन रखा है। और इसमें मैंने खूब सारे बैंगल्स डाले क्योंकि मुझे ये फेस्टिव लुक देनी थी, और फेस्टिव में ऐसे मुझे बैंगल्स इयर रिंग बहुत अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पर थ्रेड वर्क, ब्लैक थ्रेड वर्क है, उसके साथ आपको पूरी सीक्वेंस मिल रही है, जो कि फ्रंट से सामने से ये बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही कंफर्टेबल है। जब मुझे फर्स्ट में कुर्ती रिसीव हुई थी सेट, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इचिंग करेगी 100%, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीक्वेंसेस पे तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्लाजो नहीं चुभेगी, क्योंकि प्लाजो पे ऊपर से नीचे तक फ्रंट बैक सब तरफ सीक्वेंस लगी हुई है, पूरी ब्लिंक करेगी बहुत ही अच्छी। बट जब मैं इसे वेयर करा ना, तो एक भी इचिंग मुझे नहीं, इतनी सी भी इचिंग नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत कंफर्टेबल कुर्ती सेट है, और इस पे आपको सीओडी ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। पर जो भी सेलर है उनकी क्वालिटी जो है कपड़े की वो बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको सेलर के और भी मिलेगी, बट उन पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। ये मुझे मिली है तो ये सेलर का कोड मैं दे दूंगी डेफिनेटली, आप ज़रूर ट्राई करें और फिर कॉमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसे लगी। मटेरियल कॉटन है और इनर लाइनिंग के साथ है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही मोटा मटेरियल एक नंबर है। प्राइस 1100 समथिंग है, बहुत ही सुंदर है। एंड बेस्ट पार्ट है कि इस पे आपको
बहुत अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे, रेड वाइट येलो ग्रीन ब्लू मैजेंटा, बहुत ऑप्शन है, तो आप ज़रूर ट्राई करें एंड कॉमेंट में मुझे बताएं कि कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी, हाईली रिकमेंड करूँगी मैं इसे। एंड यहाँ पे गाइज मैंने दुपट्टा भी एक डालकर दिखाया है पिंक कलर की, जो मेरा खुद का दुपट्टा है, तो आप ऐसे कोई भी दुपट्टा डाल कर भी वेयर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फेस्टिव वाली लुक देनी है या फिर किसी वेडिंग पार्टी में जानी है तो दुपट्टा इसका लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। तो ये दुपट्टा भी मिशो से ही है और ये मुझे दुपट्टे के साथ ही बहुत पसंद आई, विदाउट दुपट्टा भी बहुत पसंद आई, तो आप दोनों तरीके से वेयर कर सकते हैं। Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. I tell you, dog, 'cause I'm feeling so good. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस वाइट कलर की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चिकनकारी कुर्ती, एंड ये आई गेस ये तो ही कश्मीरी वर्क भी है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे लास्ट टाइम कमेंट में बताया था कि यदि कश्मीरी वर्क है एंड ये चिकनकारी वर्क नहीं है, बट इसे मैं तो चिकनकारी वर्क ही कहती हूँ। सो इस तरीके से वाइट वाइट आपको पूरी कुर्ती में मिलेगी, कलियाँ बनी हुई है इस तरीके से, वाइट पूरी थ्रेड वर्क है, नीचे आप देख सकते हैं पिंक और ब्लू बीच कलर का पूरा बड़ा बड़ा सा फ्लावर बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड नीचे आपको लेस डिटेलिंग भी मिलेगी, तो इस पर प्लाजो नहीं आती है, इनर लाइनिंग भी नहीं आती है, सिर्फ कुर्ती और दुपट्टा आती है। तो इसका जो लास्ट पिंक वाला प्लाजो, ब्लैक एंड पिंक का प्लाजो ही मैंने पहना है, इस पर मैंने पिंक बैंगल्स भी डाले हैं क्योंकि ऑफकोर्स मैं फेस्टिव वेयर बना रही हूँ। सो फुली चिकनकारी कुर्ती है, बहुत ही सुंदर है, घेर नॉर्मल है जितनी होनी चाहिए, क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे पहनने पर, जब मुझे मिली थी तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट पहनने के बाद जो लुक चेंज होती है तो उस पर तो मैं इतनी ज़्यादा पागल हो जाती हूँ कि मुझे इसकी लुक बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये स्लीव्स पे भी आपको पूरी वर्क मिलेगी और मटेरियल मैं बहुत ही क्लोजअप पे दिखा रही हूँ, जॉर्जेट मटेरियल है इसका, वाइट इनर मेरे पास पड़ी हुई थी तो से उसको डालकर मैंने ये पहना है, और ऑफकोर्स पिंक प्लाजो मुझे मिल गया तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बन गया। दुपट्टे की जो लंबाई और चौड़ाई है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट वही जॉर्जेट मटेरियल है, उस पर भी छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं जो स्लीव्स पे बने हुए हैं, और फ्रंट पे बटन्स जो लगी हुई है, जो फ्रंट की डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और इस पे मेरा साइज़ मीडियम है, बहुत अच्छी फिटिंग इसकी आई है मुझे, इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत सुंदर है। बट एक प्रॉब्लम ये हो गई कि इस पे जो कलर है ना वो मैंने ये पिंक कॉम्बिनेशन का ऑर्डर नहीं करा था, मैंने ब्लू कॉम्बिनेशन का ऑर्डर करा था, बट मुझे रिसीव हुई है पिंक वाली, तो थोड़ी सी कलर चेंजेस होती है, बट ईजी रिटर्न और एक्सचेंज है मीशो पे, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो कॉमेंट में मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको ये सेट कैसी लगी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। I got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लू व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन का पूरा चिकनकारी कुर्ती सेट। सो आप सोचेंगे कैसा कॉम्बिनेशन है ब्लू पे व्हाइट रेड, सो ये कुछ डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन है जो मुझे मैंने देखा उस पेज मीशो के पेज पर, तो मुझे बहुत पसंद आई, तो मुझे लगा मुझे डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि मैं ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ट्राई करती हूँ। सो रेड को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने रेड ज्वेलरी डाली है, लाइक ईयर रिंग्स और बैंगल्स की, थोड़ा ये कॉम्बिनेशन अच्छी लगे। और दुपट्टा शिफॉन मटेरियल का है, बहुत ही अच्छा गोटा पट्टी डिटेलिंग है इस पे नीचे पे,
या पूरे छोटे छोटे दुपट्टे पे गोटा पट्टी डिटेलिंग बनी हुई जो काफ़ी अच्छी है। लंबाई चौड़ाई दोनों दुपट्टे की बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत कंफर्टेबल है। एंड कुर्ती ब्लू कलर का है, सो इस पर इनर लाइनिंग नहीं आती है, सिर्फ थ्री पीस है, प्लाजो कुर्ती और दुपट्टा। सो यहाँ पे व्हाइट कलर का स्पेगेटी मैंने वेयर करा है आपको दिखाने के लिए कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसी लगेगी विथ व्हाइट इनर। सो यहाँ पे एक मैंड्रिन कॉलर है, पूरे बटन्स बने हुए हैं क्लोथ के। और यहाँ आपको एक चीज़ बहुत अच्छी कि लखनवी कुर्ती के साथ आपको मिल रही गोटा पट्टी डिटेलिंग जो बहुत सुंदर लगती है लखनवी स्टेज पे। प्लाजो देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कलियाँ वाली शरारा है ये जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, पूरी गोल्डन वर्क है। एंड प्लाजो पे आपको इनर लाइनिंग भी मिल रही है, सो इनर लाइनिंग भी बहुत कम्फर्टेबल है पहनने पर। और इस पर मेरा साइज़ मीडियम है जो कि मुझे बहुत अच्छी फिटिंग आई, सो मैं इसे रिकमेंड करूँगी। मुझे बहुत पसंद है ये कलर कॉम्बिनेशन, और आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन मिलेंगे। आप इस वीडियो का कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिए और इमेज के थ्रू सर्च कीजिए, आपको ऑप्शन बहुत सारे भर भर के मिलेंगे। सो आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मटेरियल इसका कुर्ती का जॉर्जेट है, एंड प्लाजो का भी जॉर्जेट है, दुपट्टे का शिफॉन है। Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart. माय नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी गोटा पट्टी के साथ ये कुर्ती एंड दुपट्टा। इस पर इनर लाइनिंग नहीं है एंड पैन भी नहीं है, इस पर मैंने खुद का इनर लाइनिंग एंड पैन पहना है। सो जो मैंने मांगटेगा एंड ईयरिंग्स पहने हैं ये मीशो से ही है। मैं बहुत जल्दी ज्वेलरी हॉल भी बनाऊंगी, तो थोड़े थोड़े ज्वेलरी मैं कलेक्ट कर रही हूँ वहाँ से। बट इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लें। तो यहाँ पे आपको एक डोरी मिलती है जो वेस्ट लाइन को आप थोड़ी सी फिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे पूरी कलियाँ बनी हुई है थ्रेड वर्क के साथ, और उस पे गोटा पट्टी का काम है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। फ्लेयर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। ब्लैक स्पेगेटी जो सबके पास होती है तो उसके साथ भी आप पहन सकते हैं, और कोई भी ब्लैक लेगिंग्स पैंट के साथ आप पहन सकते हैं। दुपट्टे की जो लंबाई चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है, और जॉर्जेट मटेरियल है कुर्ती का भी और दुपट्टे का भी। सो इस पे भी मैंने ब्लैक बैंगल्स डाला है, और मुझे ये थोड़ा सा सिल्वर काइंड ऑफ लुक देना था, बोहेमियन लुक, तो मुझे ये मैंने ये किया। आप भी इस तरीके से सिल्वर ज्वेलरी डाल के ट्राई कर सकते हैं। आपको कैसी लगी ये लुक मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। बैक में भी आप कुर्ती की देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भर भर के गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है, इस वजह से ये कुर्ती और भी ज़्यादा निखर कर खूबसूरत लग रही है। मेरा साइज़ इस पर मीडियम है, थोड़ी सी लूज़ हो रही है, मुझे स्लीव्स वगैरह थोड़ी फिटिंग करानी पड़ेगी। बट आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। देखिए दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है, एंड उस पर छोटे छोटे गोटा पट्टी डिटेलिंग भी की हुई है। और इस पर कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप ज़रूर चेक करें। Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. My next item is this येलो व्हाइट का कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको ब्लू वाले दिखाए थे, ये वही सेलर का है, वहीं से मैंने ये येलो कलर पिक करा। अगर आपके घर पे शादी है, हल्दी है, तो आप इसे आराम से पहन सकते हैं। बट इसका जो दुपट्टा वो थोड़ा डिफरेंट है, इस पर भी आपको दुपट्टे का बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट मैंने ये पिक करा क्योंकि एक पे तो मैंने डिफरेंट कलर पिक कर ही लिया। तो जॉर्जेट की पूरी लखनवी स्टीच के साथ गोटा पट्टी कुर्ती है, सेम पैटर्न है, फ्रंट पे बटन्स बने हुए हैं क्लोथ के, और छोटा सा कट है सामने। और इसका जो प्लाजो है, इसका प्लाजो मुझे उतना ज़्यादा
पसंद नहीं आई, क्योंकि जो ब्लू वाली की प्लाजो वो बहुत अच्छी भेजी है, इसकी जो प्लाजो भेजी है उसका मटेरियल थोड़ा सा डल है, और एक जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि इसकी जो इनर लाइनिंग प्लाजो की है वो हाफ है, ब्लू वाले पे आपको फुल मिल रही है, बट इस पे आपको जहाँ तक आपको वर्क दिख रही है ना वहाँ तक इनर लाइनिंग नहीं है, अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगी वीडियो पे। बस ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, बाकी इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, लंबाई चौड़ाई अच्छी है, उस पर छोटे छोटे से दाने गोल गोल सा वर्क है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। शिफॉन का दुपट्टा है ये, फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है, मीडियम साइज भी है, आप आराम से किसी भी हल्दी फंक्शन में वेयर कर सकते हो, क्योंकि फुल वेडिंग वाली लुक देगी आपको अगर बहुत अच्छे आप ज्वेलरी पहनोगे तो। बैक में भी छोटे छोटे से वर्क लखनवी वर्क बने हुए हैं इस पर, बट प्लाजो मुझे पसंद नहीं आई इसलिए मैं इसे उतना रिकमेंड नहीं करूंगी। एक ही सेलर से है, बट ब्लू में कुछ और प्लाजो भेजा है एंड व्हाइट में येलो में कुछ और भेजा, सो आई डोंट नो व्हाई, बट इसका जो भी स्क्रीनशॉट है आपको साइट पे मिल जाएगी। और मुझे ये थोड़ी सी प्राइजी भी लगी क्योंकि ब्लू का मटेरियल काफ़ी अच्छी थी और सेम प्राइस मैंने दिया है और सेम चीज़ में मुझे मटेरियल अच्छी नहीं लगी इसलिए मुझे प्राइजी लगी, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। Got enough of every melody, they all sound the same, yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe... My next and last item is this orange and... कलरफुल कुर्ती, सो ऑरेंज कलर की बहुत ही खूब ब्यूटीफुल सी कलर है इसकी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लखनवी कुर्ती है जिसपे ग्रीन एंड वाइट पूरा लखनवी काम किया हुआ है, इसका वर्क बहुत सुंदर है। इस पर जो प्लाजो आ रही है, शरारा आ रही है, उस पर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कलर्स है और कितना ब्यूटीफुल छोटा छोटा सा महीन सा वर्क किया हुआ है जो बहुत सुंदर लग रही है। और इस पर मैंने लिया है मीडियम साइज, मुझे काफ़ी लूज़ हो रही है, और इस पर इनर लाइनिंग भी अच्छी प्लाजो पे है, बट कुर्ती पे इनर लाइनिंग नहीं है, कुर्ती पे मेरे पास एक फॉर्चुनेटली ऑरेंज कलर की लाइनिंग पड़ी हुई थी तो उसको मैंने वेयर कर लिया जो बहुत अच्छे से मैच हो गई, तो आपको इनर लाइनिंग लेनी पड़ेगी या फिर किसी भी टेलर से आप बनवा सकते हैं। और इस रौनक के साथ है, इसकी स्लीव थोड़ी सी लूज़ हो रही है तो मुझे लूज़ थोड़ी सी पसंद है, और मैं बहुत ही क्लोजअप से आपको डिज़ाइन इसकी दिखा दे रही हूँ कि कैसी थ्रेड वर्क है। बैक में भी आपको छोटे छोटे से वर्क मिल जा रही है और लुक देखिए लॉन्ग भी हो रही है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप नीचे से थोड़ा कट भी करा सकते हैं अगर आपको शरारा का थ्रेड थोड़ा और दिखाना है तो। मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ तो मैं इस तरीके से वेयर कर रही हूँ। एंड इस कुर्ती सेट को गाइज मैंने 3 से 4 बार पहन लिया, लाइक इतना ज़्यादा ये रफ एंड टफ लगा मुझे बाहर निकलने के लिए, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा कि मैं 3 बार तो पक्का पहन चुकी हूँ इसे, और मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है इस वजह से। और जो मैंने ये नेक पीस डाला है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मिंत्रा से है, तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। कलर ऑप्शन अगेन आपको इस पर बहुत मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सर्च कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन रीसेलर के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, सेलर्स के भी, एंड कलर ऑप्शन भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिए। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। एंड इसका मटेरियल कुर्ती का जॉर्जेट है और प्लाजो का भी जॉर्जेट है, तो कुर्ती इनर लाइनिंग के साथ नहीं है बट प्लाजो पे फुल इनर लाइनिंग आपको मिल रही है। If you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. That's it for today's video guys. I hope आज का वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज।